बच्चों, आज मैं आपके सामने दर्जा चार सबक एक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हमारा मेन मौजू जो है वो दुआ पे। दुआ किसे कहते हैं? दुआ उसे कहते हैं जो जिसमें हम अपने रब से अपने लिए और अपने अजीजों के लिए खुदावंद करीम से उनकी रहमत और करम चाहते हैं। इसमें इस दुआ में हम परवरदिगार की तारीफ करेंगे और उनसे अपने लिए उनका करम चाहेंगे। जैसे ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली, तेरे ही फैज से है सरसब्ज डाली डाली, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी डाली। इसमें शायर अपने परवरदिगार से इस दो जहां के मालिक, ये दो जहां, ये जमीन व आसमान के मालिक से ये दुआ चाहते हैं कि उनकी तारीफ करते हैं कि ये पूरी कायनात में जो भी चीज जाहिर होती है वो खुदावंद परवरदिगार की करम है कि इस जहां में उनकी मेहरबानी से हर पत्ते में या दरख्त में जो खुशबू है, पत्तों में अगर रंगत है या फूलों में डाली है या पेड़ों में जो सब्ज डालियां है वो खुदा के करम से है। ये सिलसिला जहां का, दुनिया के गुलसिता का, फूलों भरी जमी का, तारों का, आसमां का, प्यारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। इसमें शायर ने कहा है कि ये जो सिलसिला दुनिया में चला आ रहा है, ये दुनिया के जो गुलसिता, यहाँ गुलसिता इस कायनात को कहा गया है, खुदावंद करीम ने जिसे बनाया है अपनी मेहरबानी से हम सबके लिए, अपना करम जाहिर किया है हम सबके ऊपर। तो ये जहां में जो सिलसिला चला आ रहा है, ये जो फूलों भरी जमीन हम देखते हैं, ये तारों को और आसमान को देखकर हम खुश होते हैं, ये सब खुदावंद करीम का करम है, उनकी मेहरबानी है। खुदावंद करीम का जो ये पूरी कायनात को, इस दो जहां को बनाने में जो काम है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, और साथ ही साथ हमारे परवरदिगार का नाम भी बहुत प्यारा है। और इस दुआ को लिखने वाले जो शायर हैं, उनका नाम अफसर मेरिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आपके लिए जो इस वीडियो में हम लोग आपके लिए होमवर्क भी दे रहे हैं, जो आपको बनाकर हमें व्हाट्सएप पे सेंड करना है, तो आप बुक वर्क करके हमें इसे सेंड कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।